तो ये गुरु को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये जीव गुरु की शरण में जाता है तो ये एक हंसा होता है। संतों ने अपनी भाषा में इसको हंसा कहा है। जब गुरु की शरण ले लेता है तो ये हंस हो जाता है। जब सुमरण मेहनत करता है और त्याग करता है, ये परम हंस भी हो जाता है। इसीलिए कर्म से कर्म बड़ा ही बताया है गुरु जी ने, कर्म के बिना कुछ नहीं है। जो कोई कर्म करेगा उसी का संसार में नाम होगा, उसे ही संसार जानेगा। जो वाणी यहां चल रही है, गुरु महाराज की वाणियां है, इन पे अमल करने से, जो इनमें हीरे मोती छुपे हुए हैं, जो कलियां दर्शा रही है, जो रचना करी है गुरु जी ने, गुरु रविदास जी ने, उन शब्दों पे हमें विचार करना है और उसको अपने जीवन में उतार करके उस पे आचरण करना है, तब जाके उद्धार होगा। यानी बाणी तो गा रहे, यहां बाणी तो गा ही रहे, बैंगे से सुनेंगे और सुबह वो काट देंगे। कैसा हुआ था सत्संग? बहुत बढ़िया हुआ भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया वाणी गई गई, लेकिन पतलाना झूका तो वहीं पड़ रहा। फिर भी परिवर्तन तो नहीं करा ना, बदलाव नहीं करा अपने विचारों में। जब विचारों में बदलाव नहीं होगा तो उद्धार कैसे होगा? इस जीव का फंसने का मकसद यही है कि यो अपने गंदे विचारों में फंस जाता है। जो हमारी दस इंद्रिया है, नौ इंद्रिया बरकरार है और इनके स्वाद में फंस करके यो यहीं पड़ा रहे, यो रूप पे मोह जाता है। मन को रोकने के लिए इसका जो द्वार बताया है, मन का जो भागता है, यो दृष्टि आंख याद में जो है, थोड़ी देर में चगाक फट खोलेगा वो देखे कोई तेरा आगे पीछे तो नहीं आ गया। अगर सुमरण में भी बैठेगा तो आंख मीच के, ये नहीं कि तू बैठा ही रहो, एकदम खोल के देखेगा। बहुत से तो ऐसा भजन करो जा अन्न को बालक चै चै मैं कर रहे, मत नहीं होने काम करा क्या, तू कहां गई? अब लो रोटी नहीं बना, फिर बैठ जा मीच के और फिर बोल देगा। ऐसा भी हो जो भजन करे तो उसका ध्यान, उसका चित्त कहाँ है? उसका तो उसमें बढ़ रहा सारे अपने विचारों में, कहाँ उसने हटाया इसे? जब अपने चित्त को गुरु के चरणों में लगा देगा, अपनी सूरत को गुरु से जोड़ देगा, तो तब इसके इंगे तिंगे सूरत नहीं भागने की, ना इसका चित्त भागे। चित्त सिमरण करू नैन अवलोक लो, श्रवण वाणी सो जस पूर रखू। गुरु रविदास जी कहते हैं कि मेरा जो चित्त है वो सिमरण करता है बस, मेरे नैन है गुरु को देखता है, मेरे कान है वे गुरु की वाणी सुनता है, अन्यथा और अच्छी नहीं लगती। तो तभी तो यह पावन होगा। और जब हम अपने कानों से जो है अपने स्वाद की बात सुन रहे तो वो कैसे पावन होगा? फिर तो हमारी तो बात हमारे भीतर बड़ी रहेगी। जब हम गुरु की बात अपने अंदर करेंगे तब उद्धार होगा, वैसे नहीं होने का उद्धार। तो हमें अपनी इंद्रियों पे संयम करना है। जितना हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, ये समझो जैसे कछुआ सिमट आप में, जैसे कछुआ होता है वो अपनी इंद्रियों को एकदम समेट लेता है,
अपनी इंद्रियों को सीमित कर लेता है। और मनुष्य तो बस बढ़ा ही रहा है, जितनी बढ़े से उतनी बढ़ जा, घटने का तो काम ही नहीं है। ये तो रबड़ जैसी है इच्छा, कैसे रबड़ है नहीं, इतनी बढ़ाओ फिर और बढ़ जाएगी, और बढ़ाओ और बढ़ जाएगी, और बढ़ाओ और बढ़ जाएगी। इच्छा इतनी होती है, कभी इच्छा पूर्ति नहीं हुई किसी की। हाँ, राजा महाराजा एक से एक होए, किसी की मनोकामना पूरी नहीं हुई, पता नहीं कोई क्या क्या सोचे थे। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, अगर तुझे यहां से छुटकारा पाना है तो सीमित हो जा, सहज हो जा, और जब सहज हो जाएगा तब एक का एक हो जाएगा। अलग क्या है, अलग तू क्यों हुआ, अलग तेरे विचार है बस, अपने विचारों को जो है, जो यहां संसारिक विचार, इनमें परिवर्तन लिया, एक का एक सत के विचार बना ले। तू सत के विचार नहीं बनाता तभी तू इस संसार में भटक रहा है, और जब सत के विचार हो जाएंगे तो ये जाकर के उसमें मिल जाएगा। एक ऐसे समुद्र में लहर उठती है, समुद्र में लहर उठती है ना, लहर तो वो समुद्र की है। अबे लहर खत्म हो जाए तो वो समुद्र का समुद्र, लहरों ने ही तो जो है वीरान कर रखे संसार में आना पड़ रहा, इच्छाओं ने, स्वाद ने। तो इसकी कीमत केवल यही है कि सत्संग में आकर के इस जीव को मानव दर्शन होता रहता है, इसे ज्ञान मिलता रहता है। क्योंकि रगड़ा जो लोहिया रहे ना पड़ा रहे बरसात में और उस पर जर लग जा, सत्संग में जब आवे ना, जब वाणियां सुने, उपदेश सुने संतों के, तो इस पर रेगमाल का काम करे जो सत्संग वाणी, और उसे लोहे को साफ कर दे, जैसे लोहे को साफ कर दे ऐसे इस पे मैल चढ़ा हुआ गंदा यो भी जन निखरता रहे धीरे धीरे। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सार जो है वो सत्संग है। अन्य जो पूरी दुनिया में चले जाओ, कहीं भी बैठ लो, कहीं सत नहीं मिलने का, सब जगह सती असत मिलेगा। जैसे चमक चांदनी से देखे लाइट कितनी, इस पे वो आ रहा ना पतंगा, पतंगा बोल रहे हैं उसे, पतंग को पतंगा बोलते, एक पंछी होता है बहुत बड़ी, वो गर्मी में बहुत आवे, अब तो सर्दी, हाँ नहीं पट बीजना नहीं, वो पतंगा हो तो वो जो इतने इस पे मच्छर आदास गर्मियों में लाइट पे, वे वही मरते रहे लाइट पे ही, लाइट पे मरते रहते हैं वे, क्योंकि वे रूप में बंधे हुए हैं। अरे तुम भी रूप में बंधे हुए हो तो रूप तो संसार का ही, रूप ने तो सबको मोहि रखा, यही बंधे रहेंगे। तो इसे रूप का जो भास त्यागना पड़ेगा, जब रूप का भास त्याग देंगे, रूप का भास जब तक देंगे, जब हम अपने अंदर की यात्रा करेंगे, अभी हम बाहर की यात्रा कर रहे हैं तो हमें रूप ही रूप नजर आ रहा, बहु प्रकार का रूप है, प्रकृति का अलग अलग रूप है। जब हम अपने रूप को अंदर ले जाएंगे तब हम दिखेगा, जब हमारा भी रूप खत्म हो जाएगा, तुम्हारा भी रूप खत्म हो जाएगा, बाहर फिरेंगे तो रूप में है, अंदर जाएंगे तो रूप खत्म है, और रूप खत्म है तो बस आवागमन खत्म। ये है सुमरण और भजन से, जब ध्यान और सुमरण करेंगे तब अवस्था आती है, वैसे नहीं मिलती वो अवस्था। आसो से कर सुमरण और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धरे फिर सोयम आप आप। सांस संभालो रात दिन, अरे जो मिलना चाहे पीव, समझ गया तो ब्रह्म है नहीं जीव का जीव, समझ ले नहीं तो तू जीव भटकता फिरता रहेगा संसार में, अगर समझ गया तो परली पार हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा, उसमें ही समा जाएगा। कहता हूँ कह जात हूँ और कहूँ बजावत ढोल, तेरा एक सांस अनमोल है,
प्यारे तीन लोक का मोल, तीन लोक का मोल, एक सांस ही तेरा इतनी कीमती है। और 24 घंटे में कितने सांस आवे? 21,606 सांस 24 घंटे में आते हैं। अगर तुमने एक सांस भी लगा ले तो तीन लोक की कीमत मिलेगी। एक सांस लगाते ही भूत वर्तमान भविष्य सब नजर आ जाएगा। एक सांस की कीमत, एक ही सांस है जो तेरे शरीर में चल रहा, इसे गुरु की तरफ लगा दे। पर लगे कहां? जो सांस तो तन्ने सारे में को फैला रखा, इंगे लगावे। सत्संग नहीं तो हो रहा है, और सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब है भाई हमारा कल्याण हो जाए। दो पैसों में से हम निकाल करके परमार्थ कर रहे, गुरु महाराज का गुणगान कर रहे। कल्याण तो तब होगा जब हम इस पर चलेंगे, रहनी पर चलेंगे, तभी तो कल्याण होगा। तो चलना बड़ा कठिन है, और जो चल गया उसका बेड़ा पार।